लास्ट क्लास में हम लोग सेक्शन 36 की बात कर रहे थे और ये सेक्शन हम लोग का आधे में ही रह गया था। मैंने कहा था इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पूरा करेंगे। 36 में जो शुरू के तीन पॉइंट हैं कोई दिक्कत नहीं करते क्योंकि वो इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है। अगर आप स्टॉक को लॉस के अगेंस्ट सेफ्टी रखना चाहते हैं एंड यू आर जस्ट गोइंग टू गेट द इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर दैट परपजेस, तो आपको जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना पड़ेगा दैट इज अलाउबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 36। अगर आपके पास कोई लाइव स्टॉक है, लाइव स्टॉक जो कोऑपरेटिव फेडरल मिल्क सोसाइटी के मेंबर्स के पास लाइव स्टॉक है, अगर आपने उनका इंश्योरेंस करवाया है और प्रीमियम दिया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 36। अगर आपके पास एम्प्लॉयज़ हैं और आपने एम्प्लॉयज़ का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया है, केवल हेल्थ इंश्योरेंस, और आपने इनका पेमेंट अदर देन कैश किया है, हाँ या ना, तो आपको डिडक्शन मिलेगी अंडर सेक्शन 36 में। याद आया पॉइंट नंबर 4 मैंने बताया था, एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है तो साथ साथ बोनस और कमीशन को भी ख़त्म कर देते हैं। और अगर बोनस या कमीशन की बात करते हैं दैट इज एन अलाउबल एक्सपेंडिचर अंडर सेक्शन 36 बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 बी कैपिटल लेटर में। एग्जाम में अगर तुम लोगों ने 43 बी ऐसे लिख दिया तो बेटा जीरो मार्क्स मिलेंगे। तो ध्यान देना, जब भी सेक्शन कोट करना तो जिस सेंस में लिखा जाता है उसी फॉर्मेट में लिखना है, उसको आप अपने हिसाब से तोड़ मोड़ नहीं सकते। फिफ्थ पॉइंट, तीन इंश्योरेंस के थे, फोर्थ बोनस और कमीशन था, फिफ्थ डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। अगर आपने कोई इंटरेस्ट ऑन लोन ले रखा है तो उसका डिडक्शन भी आपको सेक्शन 36 में ही मिलेगा। लेकिन याद रखेंगे, इसके आगे मैंने लिखवाया था बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 बी। इसके अलावा मैंने कुछ बताया था, बैड डेट्स बताया था, ओके, क्या बताया था। और मैंने जब फर्स्ट क्लास आपकी पीजीबीपी की स्टार्ट की थी तो उस पीजीबीपी की क्लास में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि नए अमेंडमेंट्स आए हैं ICDS के, हाँ या ना, पूरा नाम क्या है, इनकम कॉम्प्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। सोचो इनकम टैक्स में भी अब स्टैंडर्ड आ गए। CA इंस्टीट्यूट ने पहले ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू किए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, उसके बाद अब CMA इंस्टीट्यूट ने भी कॉस्ट स्टैंडर्ड्स यूज करने स्टार्ट कर दिए, CS ने भी अपने मेंबर्स के लिए स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दिए। अब उतने तो ख़त्म नहीं हुए थे, इनकम टैक्स वाले क्यों पीछे रहे, उन्होंने भी ICDS स्टैंडर्ड स्टार्ट कर दिए, इनकम कॉम्पिटिशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड, क्लियर। हम लोग बैड डेट्स में जरा इसके बारे में आज बात करेंगे क्या है। लास्ट क्लास में मैंने बताया था जो चीज़ आप कभी ना कभी इनकम साइड में क्रेडिट कर चुके होते हैं एज ए इनकम, आप उसको आज राइट ऑफ अगर करते हैं, एक्चुअल में आपको लगता है बैड डेट्स हो चुका है एंड यू आर जस्ट गोइंग टू राइट इट ऑफ फ्रॉम योर बुक्स ऑफ अकाउंट, देन इट इज 100% अलाउबल एक्सपेंडिचर। बताया था ना, प्रोविजन्स अलाउड नहीं होते, एडवांस नहीं अलाउड होता बिकॉज वो कभी इनकम बनता ही नहीं। लोन देना या लेना जो लॉस हो जाता है वो कभी इनकम बनता ही नहीं। अगर हम बात करें पेज नंबर 84 पर बैड डेट्स के बारे में तो क्या लिखा है वो जरा देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ बैड डेट्स रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल इन द अकाउंट्स ऑफ द SSC फॉर द प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, द डेट्स शुड बी इंसिडेंटल टू द बिजनेस, के आ गया है बीच में हटा देना, द डेट शुड बी इंसिडेंटल टू द बिजनेस एंड इट शुड हैव बीन टेकन इन टू अकाउंट इन कॉम्प्यूटिंग द इनकम ऑफ द SSC और इट शुड रिप्रेजेंट मनी लेंट इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बैंकिंग और मनी लेंडिंग बिजनेस, हाँ या ना। Last, it should be written off in the books of account. It shall not include provisions for bad and doubtful debts made in the books of accounts of the SSC. अब जो amendment आए हैं, हम उस ICDS के reference करते हुए यहाँ पर मैं बोल तो दे रहा हूँ, ठीक है, लेकिन जब ICDS पढ़ेंगे तो उस समय मैं एक बार और बोलूँगा। हम लोग को जब ये chapter start करना चाहिए था तो हम लोग को start तो ICDS से करना चाहिए था, लेकिन chapter ज़्यादा lengthy और ज़्यादा bore हो जाता, इसलिए हमने उसको थोड़ा पहले क्या कर दिया,
स्किप कर दिया, जब आप लोग एक बार पीजीबीपी आपके दिमाग में सेट हो जाएगा तो आईसीडीएस ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करने वाला, आपको मालूम होगा कि हमने क्या कर रखा है और उसमें क्या होना है स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। वेयर द अमाउंट ऑफ सच डेट और पार्ट देयर ऑफ हैज़ बीन टेकन इन टू अकाउंट इन कॉम्प्यूटिंग द इनकम ऑफ द एसएससी ऑन द बेसिस ऑफ आईसीडीएस नोटिफाइड अंडर सेक्शन 145(2) विदाउट रिकॉर्डिंग द सेम इन द अकाउंट देन सच डेट और पार्ट शैल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर इन विच सच डेट और पार्ट देयर ऑफ बिकम्स इररिकवरेबल एंड इट शैल बी डीम्ड दैट सच बैड डेट और पार्ट देयर ऑफ हैड बीन रिटन ऑफ एज इररिकवरेबल इन द अकाउंट्स। तो कोई नई बात नहीं बोला, अगर हमने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट 145(2) सेक्शन 142 के 145(2) के हिसाब से प्रिपेयर की हैं और मैंने अपने बुक्स में डेटर्स को कभी न कभी इनकम की तरह दिखाया था, डेटर्स मतलब सेल्स को, इनकम को दिखाया था। डेटर्स कहाँ से आता है? इनकम से आता है ना, सेल से आता है ना, रिसीवेबल होता है ना, तो उस इनकम को हमने दिखाया था। और आज अगर मैंने अपनी बुक्स में उसे उसको हटाया है इररिकवरेबल दिखाते हुए, तो ठीक है, दैट इज़ एन अलाउबल एक्सपेंडिचर। चलें आगे, कुछ नई बात तो बोला नहीं। इसी पॉइंट के ऊपर जरा देखें, और आप उसको ना देखें, इधर देखें, पॉइंट नंबर 8। जो डाइड एनिमल्स होते हैं, हमने अपने यहां लाइव स्टॉक खरीदा था, ठीक, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपए में। अब उसकी डेथ हो गई, क्या हो गई? डेथ हो गई। खरीदा कितने में था? बेचेंगे इससे ज्यादा पे क्या? पक्की बात है, कहाँ बेचोगे? कौन खरीद करे बेचेंगे? हाँ बेचोगे, उसकी बोन्स, हड्डियां, उसकी खाल, कारकेसेस आप सेल करते, चमड़ी, ठीक है ना? उससे कुछ ना कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा। मान लेते हैं 30,000 रुपये मिला, 10,000 रुपये मिला, ज़्यादा लग रहा था ना, लॉस कितना हो गया? दिस इज द लॉस विच यू कैन अलाउड अंडर सेक्शन 36। ये आपका वो लॉस है जो आपको 36 में अलाउड होगा। देखते हैं, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, इन रेस्पेक्ट ऑफ एनिमल्स यूज फॉर पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन अदरवाइज देन एज स्टॉक इन ट्रेड, वी आर नॉट यूजिंग दैम एज ए स्टॉक इन ट्रेड, वी डोंट हैव एनी बिजनेस ऑफ परचेजिंग दैम और सेल दैम। हाँ या ना, हम उनको अपने बिजनेस में यूज करते हैं, जैसे मशीन यूज करते हैं उसी तरह लाइव स्टॉक को यूज कर रहे हैं, एनिमल्स को यूज कर रहे हैं। एंड हैव डाइड और बिकम अ परमानेंट यूजलेस फॉर सच पर्पजेज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल कॉस्ट एंड द अमाउंट इफ एनी रियलाइज इन रेस्पेक्ट ऑफ कार्केसेस और एनिमल्स, कार्केसेस ऑफ एनिमल्स, ऑफ एनिमल्स। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत है? तो डाइड एनिमल्स नॉट फॉर स्टॉक, हाँ या ना, पक्की बात है ना? क्या यूज करते हैं, कितना डिडक्शन मिलेगा? कॉस्ट ऑफ एनिमल माइनस सेल ऑफ कारकेसेस एक्सेट्रा। तो जो लॉस आएगा अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन, दैट्स इट। प्रॉफिट कैसे आ सकता है? नॉर्मल केस में अगर बात करो तो कैसे प्रॉफिट आएगा? जिंदे में तो उसकी उतनी वैल्यू नहीं थी, तो मरने की बात कहाँ से हो जाएगी? अगर इतनी वैल्यू थी तो जिंदा होने से पहले ही तुमने उसे मार क्यों नहीं दिया? ठीक है ना, इतने साल तक उस बोझ को रखा क्यों? हटाए। हाँ, सीधी सी बात है, अगर कोई जानवर जिंदा है वो 40,000 का और मरने पर 50,000 का है, तो खरीद करके मार दो। ये भी बिजनेस हो जाएगा। कह रहे मुर्गी के साथ ऐसे ही होता है क्या? चूजों को मारते हो? हटाए। पॉइंट नंबर 9, थोड़ी स्पीड ले आएंगे।
ये हटा देनी चाहिए वाला। पॉइंट नंबर 9 देखिए, अगर कोई एम्प्लॉयर क्यों आज क्यों रहा भाई, अगर कोई एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉई के रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एम्प्लॉयर, तो तुम लोगों ने सैलरी चैप्टर में पढ़ा है कि वो एम्प्लॉई की इनकम मान ली जाती है, तो एम्प्लॉयर का खर्चा मानोगे ना, एक जगह खर्चा तो एक की, तो खर्चा कहाँ मानोगे, सेक्शन 36 में। अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एम्प्लॉयर बोनस दे रहा है एम्प्लॉई को, खर्चा है, एम्प्लॉयर अगर आरपीएफ में जमा करेगा तो खर्चा नहीं है क्या, है ना, किस सेक्शन में डिडक्शन दोगे, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के खाते में सुपर एन्युएशन अकाउंट में, सुपर एन्युएशन फंड में कंट्रीब्यूशन देता है तो ये भी होगा, बोलते क्यों नहीं। सुपर एन्युएशन फंड क्या होता है सर, एक एम्प्लॉई है जो रिटायर होगा और रिटायर होने के बाद वो हमसे कहेगा ग्रेचुटी दो, प्रोविडेंट फंड दो, लीव इन कैशमेंट दो, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड होंगी। मैं कहूँगा बेटा बस कर, बहुत हुआ, इतनी ज़्यादा डिमांड ना कर, केवल एक ही डिमांड कर और उस डिमांड का नाम होगा सुपर एन्युएशन फंड। यानी अलग अलग तरह के बेनिफिट्स देने से अच्छा एक बेनिफिट दे दिया जाए, इज इट ओके। अच्छा, अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई के लिए अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में क्या करता है, कंट्रीब्यूशन देता है अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड में, तो वो अलाउड होता है। ढंग से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूं, और ये तीनों की तीनों चीजें सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B होती है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। अगर आरपीएफ है, सुपर एन्युएशन फंड है और अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड है, इट मींस एक और चीज आती है, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द प्रोविजंस मेड बाय द एम्प्लॉयर। अगर कोई एम्प्लॉयर कहता है अगले साल हमारे यहाँ से 10 लोग रिटायर होने वाले हैं, दैट इज़ प्री डिफाइंड ना, कि 10 लोग रिटायर होने वाले हैं, वो तो हमें पहले से ही मालूम है, 10 साल पहले से उन लोगों को मालूम है हम 10 साल बाद रिटायर होंगे, तो मालूम है एम्प्लॉयर को कि ये 10 एम्प्लॉयज़ अगले साल रिटायर होने वाले हैं और इन लोग को मुझे 15 लाख 20 लाख रुपये देना पड़ेगा, चलो 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 प्रोविज़न बना लेते हैं, ठीक, कभी अलाउड नहीं होगा प्रोविज़न। लेकिन ऐसा अमाउंट अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड का, जो एम्प्लॉय रिटायर हो चुका है, ये महीना चल रहा है दिसंबर का, एम्प्लॉय रिटायर हो चुका, तो मेरी और लायबिलिटी आ गई या नहीं आ गई, हाँ यार मैंने पैसा दिया नहीं, दैट बिकम्स पेबल और नॉट, मैंने उसके लिए प्रोविजन बनाया है, जो लायबिलिटी मेरे सर पे आ गई है मैंने उसका प्रोविजन बनाया है। अब मैंने वो पैसा मार्च तक नहीं दिया, मान लो इस साल अगले साल में दूंगा, 2017-18 प्रीवियस ईयर में दूंगा, तो क्या ये लायबिलिटी मेरे लिए एक्चुअल लायबिलिटी है या नहीं, क्या ये खर्चा मेरे लिए एक्चुअल कॉस्ट है या नहीं, ये अलाउड होगा। प्रोविजन केवल एक ही अलाउड होगा पूरे इनकम टैक्स में, वो भी प्रोविजन मेड फॉर ग्रेचुटी फंड विच बिकम्स पेबल, दैट्स वाई इट इज अलाउड, अदरवाइज फ्यूचर में कुछ होगा उसके लिए आज प्रोविजन बनाओगे, दैट इज नॉट अलाउड एट ऑल। तो प्रोविजन ग्रेचुटी का केवल एक जगह अलाउड होगा, प्रोविजन केवल एक जगह अलाउड होगा, वो भी होगा प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी विच हैज बिकम पेबल। चलो इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं, मैंने क्या लिखा है। पेज नंबर 83 पर आ जाए, पॉइंट नंबर 7, कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ और अप्रूव्ड सुपर एन्युएशन फंड बाय द एम्प्लॉयर, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43 भी लिखा है ना। उसके बाद 9th पॉइंट देखेंगे, एनी सम पेड बाय एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स एन अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड क्रिएटेड बाय हिम फॉर द एक्सक्लूसिव बेनिफिट ऑफ हिम एम्प्लॉयज अंडर एन इरिवोकेबल ट्रस्ट, ब्रैकेट में आप लिख देंगे प्रोविजंस आर नॉट अलाउड बट द प्रोविजंस फॉर एक्चुअल लायबिलिटी इज अलाउड, ये आप वहीं ब्रैकेट में लिख देंगे।
provisions are not allowed, but provisions for actual liability which has become payable are allowed. Provisions are not allowed, but the provisions for actual liability are allowed. Provisions are not allowed, but the provisions made for actual liabilities are allowed. इतना जगह तो मैंने साइड में ब्लैंक दे रखा है, वहां लिख लिए होते हैं. साइड में जगह की कमी तो दी नहीं है. तुम लोग को मैंने एक सेक्शन पढ़ाया था, सेक्शन 80CCD. एक जगह मैंने बोला है, ये जब सेक्शन 7 चल रहा था ना, सेक्शन 7 फर्स्ट या सेकंड लेक्चर था, इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड, उसमें फोर्थ पॉइंट था सेक्शन 80CCD. जब मैंने सेक्शन 7 आप लोग को पढ़ाया था तो उसमें फोर्थ पॉइंट बताया था सेक्शन 80CCD, और मैंने कहा था जब 80 चलेगा तो उस समय हम डिस्कस करेंगे. तो आएगा 80, हम देखेंगे कौन सा खर्चा होता है. ये पेंशन फंड के लिए एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉई के लिए उसकी डिडक्शन मिलती है, 10% से ज़्यादा नहीं होता. फिलहाल हम उस लफड़े में क्यों जाएं, जब आएगा पढ़ लेंगे तो फिर यहाँ आकर उसको जब दोबारा देखेंगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि हम किस टॉपिक की बात कर रहे हैं. क्लियर है? अच्छा, और जब आएगा 80CCD तो मैं कोरिलेट करूँगा. देखो सेक्शन 7 में ये था, सेक्शन 36 में ये था, और सेक्शन 80 में ये आ जाए. अगर कोई कंपनी एसएससी फैमिली प्लानिंग का खर्चा करती है, एम्प्लॉयज के फैमिली प्लानिंग का एक्सपेंस करती है, कंपनी एसएससी एक्सपेंडिचर ऑन फैमिली प्लानिंग, ये खर्चा दो तरह का होता है, या तो ये कैपिटल नेचर का होगा या तो ये रेवेन्यू नेचर का होगा. अगर कैपिटल नेचर का है तो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में अलाउड होगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में अलाउड होगा, और ये 100% अलाउड हो जाएगा इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द एक्सपेंडिचर इनकर्ड. क्लियर है? तो अगर कोई कंपनी एसएससी फैमिली प्लानिंग पर खर्च करती है एम्प्लॉयज के लिए, कैपिटल नेचर का 5 सालों में बराबर बराबर और रेवेन्यू नेचर का एक ही साल में अलाउड हो जाएगा. हटा सकते हैं. लास्ट पॉइंट, हटा सकते हैं. ढंग से सुनेंगे, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स. कौन सा टैक्स? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज अलाउड अंडर सेक्शन 36. कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स इज अलाउड अंडर सेक्शन 36. अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हैं और अगर आपने कोई सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पे किया है, आप सिक्योरिटी खरीदेंगे तो आपको कुछ परसेंटेज एसटीटी देना पड़ता है. अगर आप सिक्योरिटी बेचेंगे तो भी आपको कुछ परसेंटेज 0.075, 0.0125 ऐसे करके होता है, वो आपको सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, चाहे आप सिक्योरिटी खरीदो चाहे सिक्योरिटी बेचो. तो ये खर्चा अलाउड होता है सेक्शन 36 में. बोलता क्या है? एसटीटी पेड इन रेस्पेक्ट ऑफ टैक्सेबल सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन इंटर्ड इनटू इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस. कॉमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जिस तरह सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है उसी तरह अगर आप कॉमोडिटी मार्केट में जा करके ऑनलाइन चीनी खरीदते हो, घर पे चीनी आएगी नहीं, ऑनलाइन चीनी खरीदो, ऑनलाइन गेहूं खरीदो, चावल खरीदो, खरीदते जाओ,
एक एक हजार किलो आएगा नहीं कभी, बस ट्रांजेक्शन पर बोली लगानी है। खरीदोगे तो सीटीटी लगेगा, बेचोगे तो सीटीटी लगेगा, जिसको हम कहते हैं कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। और अगर ये मेरे नॉर्मल बिजनेस का हिस्सा है तो दैट इज़ वेरी मच अलाउड अंडर सेक्शन 36। तो सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हो या कमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स हो, बोथ ऑफ दीज टू विल अलाउड अंडर सेक्शन 36। बोलो भाई, एक नया अमेंडमेंट है इस सेक्शन में, सबसे लास्ट पॉइंट मैंने दे रखा है, हमें नहीं लगता बीच में और कोई हमारा पॉइंट स्किप कर रहा है, एक को छोड़ करके फिलहाल उसकी बात हम नहीं करेंगे। सबसे लास्ट पॉइंट देखें जो इस साल का अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट फाइनेंस एक्ट 2015, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर परचेज ऑफ शुगर केन बाई अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो गन्ना खरीद रही है तो उस गन्ने को खरीदने पर जो खर्चा होता है उसको छूट मिलेगी कितनी। एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर अप टू द प्राइस बीइंग इक्वल टू और लेस देन द प्राइस बीइंग फिक्स्ड और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। तो इसमें कॉमन सेंस की बात है। हाँ तो समझा रहे ना, दिक्कत क्या है। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने चीनी मिल लगा रखी है, क्या लगा रखी है, तो एसएससी कौन है, कोऑपरेटिव, अंडरलाइन कर लेना, कहीं दूसरे एसएससी पर मत पहुंच जाना। अगर कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसने चीनी मिल लगा रखी है, लिखा है मैन्युफैक्चर ऑफ शुगर, एंड सच टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज गोइंग टू इनकर एनी एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स परचेज ऑफ शुगर केन। अगर आप शुगर केन परचेज करते हो तो आपको शुगर केन परचेस करने पर किए जाने वाले खर्चों को अलाउबिलिटी मिलेगी किस सेक्शन में, 36 लिखा हुआ है। अप टू द प्राइस बीइंग इक्वल और लेस देन प्राइस बीइंग फिक्स्ड और अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा 5 रुपए से ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए, हम 4 रुपए कर रहे हैं डिडक्शन मिल जाएगी, 3 रुपए कर रहे हैं डिडक्शन मिल जाएगी, 5 रुपए कर रहे हैं डिडक्शन मिल जाएगी, 6 रुपए कर रहे हैं 5 रुपए मिलेगी। अब क्लियर है, अब तो समझ में आया, हटा सकते हैं इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी मैन्युफैक्चर शुगर एक्सपेंडिचर अलाउड टिल टू द एक्सटेंट ऑफ 36 हटा सकते हैं, याद रहेगा। अब सर हम लोगों ने क्या क्या देखा, पहला देखा इंश्योरेंस, दूसरा देखा इंश्योरेंस, तीसरा देखा इंश्योरेंस, फोर्थ देखा बोनस और कमीशन, फिफ्थ देखा बैड डेट्स, फिर देखा शुगर केन, अभी जो नया अमेंडमेंट आया बैड डेट्स के अलावा फैमिली प्लानिंग का खर्चा हो गया, आपका रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो गया, सुपर एनुएशन फंड हो गया, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड हो गया, एसटीटी और सीटीटी हो गया, यही था, कुछ छूट रहा है क्या, डायड एनिमल्स और बैड डेट्स इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट्स इट, हटा दें। पहला क्या था, इंश्योरेंस, सेकंड क्या था, इंश्योरेंस, थर्ड क्या था, फोर्थ क्या था, किताब मत देना, बोनस और कमीशन, बैड डेट्स, बैड डेट्स, बोनस और कमीशन के बाद बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, कॉमोडिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, अप्रूव्ड ग्रेचुटी फंड, डाइड एनिमल्स, फैमिली प्लानिंग एक्सपेंडिचर, शुगर का खर्चा और कंपनी एसएससी फैमिली प्लानिंग, एटीसीसीडी, शायद एक दो और बच्चों देखो, जू जू जीरो कूपन बॉन्ड, बात सही है बिल्कुल। तो हम लोगों ने 32AD स्टार्ट करें, अब तैयार हो उसके लिए, 35AD तो हो चुका था ना, 32AD जो इस साल का अमेंडमेंट है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 32AD हम लोगों ने आज तक, सुनो सुन लो, डेप्रिसिएशन की बात की थी, एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात की थी, इसको दो पार्ट में तोड़ा था, नॉर्मल 20% और बैकवर्ड एरिया के लिए, स्टेट्स के लिए
जिसमें आता था बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल, यही तो था। ये चार स्टेट्स आ रहे थे, नोटिफाई किए गए हैं 35% के लिए एडिशनल डेप्रिसिएशन के लिए। ये दोनों सेक्शन कौन से थे? 32। इसके बाद हम लोगों ने एक सेक्शन पढ़ा था 32AC। इस 32AC में हम लोगों ने देखा था, अच्छा एक चीज याद रखना, शायद मैं स्किप कर गया था या मुझे लगता है मैंने बताया नहीं, शायद या तो मेरे मुंह से निकला नहीं, मैंने देखा नहीं अभी। कंपनी एसएससी मैंने बोला था कि नहीं, ये वर्ड मैंने यूज किया था कि नहीं? 32AC में नहीं किया था। ये कंपनी एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, वापस जाकर लिख जरूर देना, क्योंकि आज 32AD पढ़ाते समय ये चीज समझनी जरूरी है, ठीक है ना। 32AC स्पेसिफिकली अप्लाइड ऑन कंपनी एसएससी। लिखा था तब तो ठीक। लिखवाया था तब तो ठीक, अगर ऐसा है तब तो अच्छी बात है, अदरवाइज आज इसी का ही गेम होना है 32AD के साथ। क्या है सेक्शन 32AC और सेक्शन 32AD? AC में मैंने बताया था, अगर आप कोई नई प्लांट एंड मशीनरी लेते हो कंपनी, तो आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा, कितना परसेंट? 15%, याद आया होगा। अगर आपने ये एसेट खरीदी है 13-14 प्रीवियस ईयर, 14-15, 15-16 एंड 16-17, यही तो था, हाँ या ना, प्रीवियस ईयर, इन दो ईयर्स के लिए 32AC1 और इन तीन ईयर्स के लिए 32AC1A, याद आया होगा। इस साल 25 करोड़ हो या उससे अधिक, एग्जैक्ट 25 करोड़ हो तो एक्सीड, 15% का हमको बेनिफिट मिल जाता था, हाँ या ना। और यहां पर दोनों ईयर्स में मिलाकर एग्रीगेट 100 करोड़ होना था, याद आया, और हमें 15% मिलता था, उसका तरीका हमने बता दिया, आज हमने रिवीजन भी कर लिया, सिस्टम बिल्कुल दिमाग में क्लियर है, हाँ या ना। अब आज हम बात करेंगे 32AD की। केवल कंपनी को ही छूट दोगे? अदर देन कंपनी एलिजिबल नहीं है क्या? ये ऑल एसएससीज के ऊपर है, और सुनना ढंग से, ये अलग डिडक्शन थी, ये इसके अलावा डिडक्शन है। पहले अब इसको पढ़ लें, बाद में देखते हैं जोड़ना है या नहीं। मैंने बताया था ना, दिस डिडक्शन इज इन एडिशन टू सेक्शन 32। कहीं तुम लोग मर्ज ना कर देना कि ये और ये एक ही है, कोई एक डिडक्शन मिलेगी ना, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी, डेप्रिसिएशन भी और 32AC का भी डिडक्शन आपको एक साथ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे 32AD की, ढंग से सुनेंगे, पेज नंबर 57 स्टार्ट करें, जो कि नया सेक्शन है तो हमारी भी मजबूरी है एक बार आपको पढ़ करके साथ में सुनाएं, ताकि हमसे भी कोई गलती, सीधा सा हिसाब, ठीक है ना। अदरवाइज तुम लोग इस सेक्शन के सारे पॉइंट्स किसी न किसी तौर पर स्टडी कर चुके हो। अ न्यू सेक्शन हैज बीन इंसर्टेड इन द एक्ट टू प्रोवाइड फॉर एन एडिशनल इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस ऑफ एन अमाउंट इक्वल टू 15% ऑफ द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड, अंडरलाइन कर लेना, एंड को एक्वायर और इंस्टॉलेशन दोनों एक साथ होनी चाहिए, और ये डिडक्शन आपको ताउम्र नहीं मिलने वाला। नीचे देखें पॉइंट नंबर बी में, एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड शुड बी बिटवीन
1/4/2015 से लेकर के 1/4/2020 के अंदर होगा, 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2020 तक ही, 31 मार्च 2020 तक ही आपको ये बेनिफिट मिल सकता है अगर आपने एसेट को एक्वायर एंड इंस्टॉल किया है। कहाँ? यहाँ। कहाँ? यहाँ। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल। देखते हैं एसएससी, वेदर कंपनी और नॉन कंपनी, अंडरलाइन जरूर कर लेना। देखो ना, यहाँ पर फिर एक नया लोचा आ गया कि कंपनी को भी मिलेगा और नॉन कंपनी को भी मिलेगा। ये देख इधर, ऑल एसएससी, थोड़ा लोचा हुआ कि एक ही आदमी, अब यहाँ भी डिडक्शन और यहाँ भी कंपनी अगर हो तो क्या दोनों डिडक्शन ले सकती है? ये अच्छा, ये कंपनी है और इन एरियाज में है, कहाँ कहाँ पे? बोलो ना, दो बार डिडक्शन कुछ समझ में नहीं आ रही, लेकिन देखते हैं फिलहाल। ही सेटअप एन अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन और ही सेटअप, अंडरलाइन कर लेना, एन अंडरटेकिंग और एंटरप्राइज फॉर मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर ऑफ एनी आर्टिकल और थिंग ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2015 इन एनी बैकवर्ड एरिया विच आर नोटिफाइड बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट्स, लाइक कौन से स्टेट्स? आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल, एंड द न्यू एसेट्स आर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड बिटवीन 1 अप्रैल 2015 to 31 मार्च 2020। दिस वॉज द मेन प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन का ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन था। अगर आपको ये तीनों चीज़ें अच्छी लगी, समझ में आई, एसएससी कंपनी होनी चाहिए, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना और वेस्ट बंगाल में उसने कोई सेटअप लगाया हो नोटिफाइड एरिया में, नोटिफाइड एरिया में 1/4/2015 और 31/3/2020 के अंदर ही ये डिडक्शन मिलेगी अगर उसने इस ड्यूरेशन में एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड किया है तो, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो तो। रेट ऑफ डिडक्शन है 15%। द डिडक्शन विल बी अवेलेबल फॉर द असेसमेंट ईयर रेलिवेंट टू द प्रीवियस ईयर इन विच द न्यू एसेट इज इंस्टॉल्ड, बट इन ऑर्डर टू अवेल द बेनिफिट अंडर दिस सेक्शन द न्यू एसेट मस्ट बोथ बी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड। तो बता तो दिया, कितनी बार सर आप बोलेंगे, काम खत्म, कोई दिक्कत है इसमें? आगे चल सकते हैं। Important note, the deduction shall be available over and above the existing deduction available under section 32AC. यानी अगर कोई कंपनी है वो ये भी डिडक्शन लेगी, कोई कंपनी है वो ये भी डिडक्शन लेगी, कोई कंपनी है वो ये भी डिडक्शन लेगी। कंपनी है तो तीन तीन डिडक्शन उसको मिलेंगी और नॉन कंपनी है तो उसको दो डिडक्शन तो मिलेंगी ही मिलेंगी। कंपनी है तो तीनों deductions, नॉन कंपनी है तो ये तो, क्योंकि ये तो केवल कंपनी को ही मिलता है। इज इट क्लियर? हम बोलते क्यों नहीं? अच्छा, अकॉर्डिंगली इफ द अंडरटेकिंग इज सेटअप इन द नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया इन द स्टेट ऑफ दीज बाई अ कंपनी, इट शैल बी एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ 32AC एज वेल एज द डिडक्शन अंडर सेक्शन 32AD इफ इट फुलफिल्स ऑल द कंडीशंस स्पेसिफाइड। तो कंडीशंस के पीछे हम लोग अभी नहीं भाग रहे, ठीक है ना? न्यू एसेट मीन्स, जरा देखो तो यहाँ न्यू एसेट का मतलब क्या था, यहाँ न्यू एसेट का मतलब क्या था और यहाँ न्यू एसेट का मतलब क्या था। जब हम एडिशनल डेप्रिसिएशन की बात कर रहे थे तो रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हटाया गया था और ऑफिस अप्लायंसेस सारे गायब हो गए थे कंप्यूटर के साथ, याद आया होगा? भूल गया ना, हम जान रहे, भूलता जाता है, अभी 10 दिन बाद देखेंगे तो सब ये साफ नजर आता है, ये भी कुछ था क्या? ये जरूरत होती है रेगुलर रिवीजन करने की। आप 5 मिनट डेली PGBP पलटोगे तो पूरा चैप्टर आपका 5 से 10 मिनट के अंदर ग्रिप में रहेगा, जितना पढ़ाया बस घर पे एक बार, 5 मिनट देने की देर है। या तो एग्जाम के 1 महीना पहले रोने की बात है, एग्जाम के 1 महीना पहले रात भर पढ़ोगे नहीं समझ में आएगा, सब भूल जाएगा और वही टाइम लगेगा जितना टाइम अभी लग रहा है पढ़ने में,
और डेली 5 मिनट दोगे तो दोबारा टाइम नहीं लगेगा। एग्जाम के दिनों यही होता है क्या? तो नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो भी लिख करके आएंगे, गारंटी देते हैं। पूरा इनकम टैक्स रिवीजन करने में 4 घंटे लगते हैं, कितने? हार्डली 4 आवर्स पूरा, फ्रॉम द फर्स्ट सेक्शन टू द लास्ट वन, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर आप डेली चीज़ों को ऐसे उठाओ। भाई कितनी देर लग रही है यहाँ, तो ये नहीं पढ़ाया मैंने अभी, यहाँ से उठाओ, बस एक बार देखते जाओ। अच्छा ये होता है, एक बार पलटने वाली देर है, और जो इंपॉर्टेंट अंडरलाइन किए हो उसको साथ में देखते जाओ, हमेशा दिमाग में रहेगा पूरा का पूरा एक्ट, बार बार देखने की जरूरत नहीं है। हाँ ये नहीं कि बस 5 मिनट देख लिया इनकम टैक्स तैयार हो गया, नहीं वो नहीं, जरूरत नहीं है। उसके बाद 5 मिनट देखने के बाद 1 घंटा मन से कोई एक टॉपिक उठाओ, आराम से पढ़ते जाओ। 5 मिनट तो गो थ्रू होने के लिए होता है कि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो रिटेन रहे, देख रहे हैं पढ़ रहे हैं रिटेन रख रहे हैं, चीज़ें किताबें छप जाती हैं दिमाग में। देखो तो कोई चीज़ तुम लोगों ने मन से अगर कहीं लिखी होगी तो 10 साल बीत गया होगा, बचपन की वो चीज़ें आज भी याद होंगी कि मैंने वो चीज़ कहाँ लिखी थी, कैसे लिखी थी। तो वही चीज़ें यहाँ छप जाती हैं अगर बार बार किसी चीज़ को ऐसे से देखो तो। फिलहाल वापस आते हैं, किस पेज पर थे? 58। न्यू एसेट मीन्स एनी न्यू प्लांट और मशीनरी अदर देन शिप और एयरक्राफ्ट। हाँ, एडिशनल डेप्रिसिएशन में भी शिप और एयरक्राफ्ट हटाया गया था, इसमें से भी शिप और एयरक्राफ्ट हटाया गया है। क्या इसमें से शिप और एयरक्राफ्ट हटाया गया था? हाँ कि नहीं? देख लो, देखो मुश्किल से एक पेज पीछे है, पेज 56 पर सबसे नीचे लाइन लिखी है शिप और एयरक्राफ्ट। अरे देखना लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, वो तो कॉपी है, यहाँ नहीं लिख करके नीचे लिख दिया, ऊपर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। एनी प्लांट और मशीनरी विच बिफोर इट्स इंस्टॉलेशन बाई द SSC वॉज यूज विद इन और आउटसाइड इंडिया बाई एनी अदर पर्सन। आप ऐसी एसेट नहीं खरीद सकते जो पुरानी हो, ठीक, वहाँ पर भी यही था, 32AC में भी वही था, न्यू एसेट होनी चाहिए, पुरानी नहीं कर सकते, कॉपी है। एनी प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल्ड इन एनी ऑफिस प्रीमाइसेस और एनी रेजिडेंशियल अकोमोडेशन इंक्लूडिंग अकोमोडेशन इन द नेचर ऑफ द गेस्ट हाउस, कॉपी है, कोई दिक्कत नहीं। 32AC और 32AD दोनों कॉपीड है इस मामले में। एनी ऑफिस अप्लायंसेज इंक्लूडिंग कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कोई भी ऑफिस अप्लायंसेज आप नहीं खरीद सकते, इवन कंप्यूटर भी नहीं खरीद सकते, कॉपी है। एनी व्हीकल, कॉपी है, कॉपी। जरा पीछे देख लो, पीछे देखो ना, एक पन्ना पीछे ही तो देखना है, कहाँ दिक्कत है। एनी व्हीकल लिखा है, जबकि वहाँ क्या था, रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल था। एडिशनल डेप्रिसिएशन में रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं ले सकते थे, बाकी व्हीकल ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या है, 32AC और 32AD में कोई भी व्हीकल नहीं ले सकते आप। क्लियर है? बोलना। एनी प्लांट और मशीनरी द होल ऑफ द एक्चुअल कॉस्ट इज अलाउड विद इन द सेम प्रीवियस ईयर, कॉपी है, सारा चीज़ तो कॉपी था। 32AC और 32AD की न्यू एसेट्स में कहीं कोई फर्क नहीं है, हाँ एडिशनल डेप्रिसिएशन और इसमें फर्क है। एडिशनल डेप्रिसिएशन में हम लोग रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल को हटाते थे ना। देखो वापस आओ, उसके 2 पेज पीछे, पेज नंबर 54 पर, वहाँ भी सेकेंड हैंड मशीनरी नहीं थी, सही है, कॉपी है। ऑफिस अप्लायंसेस नहीं थे, ठीक, हाँ या ना। रोड ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं थे, लेकिन यहाँ व्हीकल नहीं था बाकी में, बोलो ना। वहाँ भी कंप्यूटर बना था, यहाँ भी कंप्यूटर बना है। कोई भी ऐसी एसेट जो एक साल में अलाउड हो जाता हो, शिप और एयरक्राफ्ट देखो ऊपर लिखा होगा कहीं, ऊपर लिखा है एलिजिबल एसेट में शिप एंड एयरक्राफ्ट, सारा चीज़ कॉपी है, केवल व्हीकल को चेंज कर दिया गया है, केवल व्हीकल को चेंज किया गया है। अब समझ में आई बात, हाँ या ना। आगे चलें, कंसेक्वेंसेस क्या होंगे, जरा देखो। सेक्शन 32AC में कहा गया था जो एसेट आप खरीदोगे ना, कितने सालों तक आप नहीं ट्रांसफर कर पाओगे, कहाँ लिखा था जरा देखो, पेज नंबर 56 में, 32AC देखते हैं, जहाँ कंपनी को बेनिफिट मिलता था अकेले। वेयर द SSC ट्रांसफर्स द न्यू एसेट विद इन 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ द इंस्टॉलेशन बाय सेल और अदरवाइज ऑन विच द डिडक्शन हैज बीन अलाउड विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड PGBP एंड बियॉन्ड द कॉस्ट ऑफ द एसेट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल गेन, दिखाया था ना, हाँ या ना। इधर आ जाओ, क्या लिखा है, इफ एनी न्यू एसेट एक्वायर्ड इंस्टॉल्ड बाय द SSC सोल्ड और अदरवाइज ट्रांसफर्ड एक्सेप्ट इन कंडीशन विद द एमलगमेशन और डिमर्जर विद इन अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इंस्टॉलेशन द कंसेक्वेंसेस शैल बी एज अंडर, सेम वही कॉपीड किया गया है, क्या कोई दिक्कत है? यानी कंसेक्वेंसेज भी सेम है, तो दिक्कत क्या है 32AC 32AD में? 32AC केवल कंपनी पर लगता है, 32AD सारे लोगों पर लगता है। 32AC किसी भी एरिया में आप एसेट लगाओ चल जाएगा, 32AD नोटिफाइड एरिया में आपको एसेट लगानी पड़ेगी तभी मिलेगा।
हाँ, एक कंपनी एसएससी को सबसे अच्छी बात यह है कि 32 AC के साथ साथ 32 AD का भी उसी साल दोनों डिडक्शन मिल जाता है। क्लियर है? बाकी तो हमें तो कॉपी पेस्ट लग रहा है, मैंने कुछ नया कहाँ बताया? अंतर ये कंफ्यूजन हो जाता है कि फर्क कहाँ कहाँ है। बस हो गया, खत्म खत्म हो गया। 32 AD समझ में आया, 32 AC समझ में आया, दोनों में फर्क था। कंपनी एसएससी, ऑल एसएससीज, 15% 15%। न्यू मशीन का कंसेप्ट वही, सेल नहीं कर सकते। न्यू मशीन का कंसेप्ट वही, सेल नहीं कर सकते। सारी चीज़ें वही। अंतर यह है कि 32 AC कंपनी कहीं भी यूज़ कर सकती है, किसी भी एसेट पर यूज़ कर सकती है, लेकिन 32 AD केवल नोटिफाइड एरिया में ही यूज़ कर सकती है, जो ये। हाँ या ना? अगर कोई कंपनी एसएससी है तो उसको यहाँ का 35, यहाँ का 15 और यहाँ का 15, 65% का तो डिडक्शन उसी साल मिल गया। लेकिन नॉन कंपनी एसएससी की केस में ये और ये बेनिफिट ले सकते हो आप। इज इट क्लियर नाउ? तो हम लोग के सेक्शंस जो हैं ना बेटा, सेक्शन 38 तक हम लोगों ने सारे कर लिए, 38 तक सारे सेक्शंस हो गए, कोई सेक्शन बचा नहीं है 38 तक। जरा देखो, देखें इधर सेक्शन बता दे रहे हैं, 28 चार्जिंग सेक्शन, 29 अब लाइन लाइन से लिखते हैं, अब तो सब जुड़ गया ना। 29 हाउ टू कॉम्प्यूट, 30 बिल्डिंग पर, फर्नीचर फिक्सर और प्लांट पर, डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन, 32 AC कंपनी के केस में जो 15% था, क्यों? अरे बोलो ना, 100 करोड़ वाला एंड 25 करोड़ वाला, याद आया? कोई दिक्कत नहीं। 32 AD नोटिफाइड एरिया में ऑल एसएससीज पर था, जो अभी अभी हम लोगों ने देखा, प्लस एडिशनल आया ना। 33 ABT कॉफी एंड रबर डेवलपमेंट था, याद आया? यहां पर भी एसेट का मतलब कुछ दूसरा ही था, याद आया ना? यहाँ कंप्यूटर खरीद सकते थे, लेकिन सेक्शन 33 ABA साइट रेस्टोरेशन फंड, सेक्शन 35, सेक्शन 35 ABB कैपिटल नेचर एक्सपेंडिचर टू अक्वायर टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, हाँ या ना? अबू फोन आया है, याद आया होगा। सेक्शन 35 D, हाँ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ, याद आया? 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट एंड 5% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। और मैंने एक गलती की थी, याद होगा, उस समय मैंने लोअर लिखवा दिया था, लेकिन बाद में मैंने उसको सही करवाया था, एट द ऑप्शन ऑफ द एसएससी और हायर लिखवाया था, याद आ गया होगा। सेक्शन 35 DD एमलगमेशन पर जो खर्चे किए जाते हैं, सेक्शन 35 DDA दादा यानी VRS स्कीम, याद आया? सेक्शन 36, सेक्शन 35 AD, एडी चोटी का जोर दो जगह लगाता है ना, स्पेसिफाइड बिजनेस, हाँ या ना? 100% और 150%, याद आया? 150% शुरू की 5 कैटेगरीज पर लगता था। सेक्शन 36 अदर डिडक्शंस जो आते ही आज मैंने कवर करवाया है। सेक्शन 37 आपका रेजिड्यू सेक्शन टू अलाउ द एक्सपेंडिचर। सेक्शन 38 बताया था, अगर कोई एसेट बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एक्सक्लूसिवली बिजनेस के लिए यूज़ नहीं होती, कुछ हिस्सा बिजनेस के लिए कुछ पर्सनल, तो मैंने बताया था प्रोपोर्शनेट खर्चा आप अलाउ करेंगे, फिर बस इतना ही था। तो प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस अलाउ करने की बात की गई थी। बताओ, सारे मेन सेक्शंस तो आप लोगों ने कर लिए, नहीं कर लिए?
साइंटिफिक रिसर्च था कहाँ? ठीक है ना, साइंटिफिक रिसर्च था, बताया था ये तो, क्लियर है, हटा सकते हैं इसको, आज से नई कहानी स्टार्ट होगी। जो स्टार्ट होगी सेक्शन 40 से। अब हम लोग को जो पढ़ने हैं सेक्शन, सेक्शन 40A, सेक्शन 40B, सेक्शन 40A, सेक्शन 43B। आज तो देखा था हम लोगों ने 43B, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, लगभग तैयार है, हम लोग का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 44AA, 44AB, 44AD एंड 44AE, दैट्स इट। हम लोग को ये सेक्शंस देखने, हम इन दो सेक्शंस को एक ग्रुप में देखेंगे, इन दो सेक्शंस को जब पढ़ेंगे ये, इसके बाद ही ये पढ़ सकते हैं, ये दोनों तैयार होगा तो ही ये दोनों तैयार हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे। ये सेक्शंस इसको थोड़ा हटा देंगे, अलग करेंगे, बाकी तीनों सेक्शंस एक साथ पढ़ेंगे। अब क्लियर है? आज स्टार्ट कर देते हैं, स्टार्ट तो कर ही देते हैं। सेक्शन 40 स्मॉल है, बच्चा किसी भी लेवल का हो, किसी भी लेवल का हो, रोता केवल इन तीन सेक्शंस में, क्योंकि वो कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाता है या मिक्स हो जाती हैं, जो मैं इधर देख रहा हूँ कहीं ना कहीं इधर लगती है, इधर देखता हूँ तो इधर, तो हम चीज़ों को बड़ा ही सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ेंगे और ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, कन्फ्यूज़न की स्टेटस नहीं लाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 40 स्मॉल है। छोटा आदमी हमेशा छोटी बात करता है और बड़ा हमेशा अपना बड़प्पन दिखाता है। नहीं समझ में आई बात? ये कहता है एक्सपेंडिचर कर बेटा, हम अलाउड करेंगे ही नहीं, जिद्दी आदमी है, छोटा आदमी छोटी बात करेगा, नहीं समझे? एक्सपेंडिचर नॉट अलाउड इन एनी सर्क्यूमस्टांसेस, किसी भी कंडीशन में आपको ये छूट तो मिलेगी ही नहीं, किन किन चीज़ों की वो हम डिस्कस करेंगे। और बड़ा आदमी जो थोड़ा बड़ा है वो कहता है ना ना ना, ऐसा नहीं है, एक्सपेंडिचर अलाउड करेंगे ऑन सर्टेन कंडीशंस। नहीं समझे? अगर आप कुछ शर्तें पूरी कर दो तो खर्चा अलाउड करेंगे, ये गलत बात है, जिद करके बैठना उचित। इसका भी बड़ा भाई है, कौन? बी आया ना, ये कहता है इतना टेंशन पालने की जरूरत नको, आपको हम छूट देंगे अगर आप एक्चुअल पेमेंट कर दे तो, पढ़े तो वो अभी थोड़ी देर पहले 43B, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, एक्सपेंडिचर अलाउड ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। बोलो ना, इन तीन को एक साथ पढ़ेंगे, बोला ना मैंने, इन तीन सेक्शंस को एक साथ देखने की जरूरत है। 40 स्मॉल है, 40 कैपिटल है एंड 43B। तैयार हो? मैं बार बार कह रहा हूं थ्योरी पर अगर आपका कमांड है तो कोई भी चैप्टर टैप टफ नहीं है। हम आपको लाख न्यूमेरिकल लगवा दें और थ्योरी ढंग से ना तैयार हो तो कोई फ़ायदा, थ्योरी ढंग से तैयार होगी तो न्यूमेरिकल हम लोग टफ से टफ देखेंगे, और प्रोविजंस अगर दिमाग में सेट होंगे तो हमें अपने आप पता चल जाएगा क्या होना है और क्या नहीं होना। सबसे पहले क्या देखेंगे? सेक्शन 40 स्मॉल ए, पेज नंबर है आपका 87। पेज नंबर है आपका 40 स्मॉल ए कहता है अगर आपने, अच्छा TDS का नाम कितने लोगों ने सुना है? ओ सॉरी, ये वाला TDS नहीं, ये वाला TDS
दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसका भी नाम वैसे हिंदी में जटिल होता है और टीडीएस चैप्टर भी अपने आप में बहुत जटिल है, लेकिन जिसका फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मैं दो मिनट इसकी स्टोरी बता दूं ताकि तुम लोग को ये समझ में आए कि हम क्या पढ़ेंगे, जब टीडीएस चैप्टर पढ़ेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे। ठीक, ये मेरे यहाँ नौकरी करता है, एक महीने में 50,000 रुपये पाता है, लग रहा है अच्छा 60 का लग रहा है, 50 का नहीं, तुम किसी दूसरे को बनाए हैं, बना दे, 50,000 कम लग रहा है तुमको, 1,00,000 कर देते, इसको हम करना ही तो है, क्या दिक्कत है। 1,00,000 रुपये पर मंथ हम इसको सैलरी देते हैं, सरकार कहती है टैक्स कौन देगा उस सैलरी पर, कौन देगा सैलरी पर टैक्स, मैं दूंगा। नाम ही है एट सोर्स, जहां से वो चीज पैदा हो रही है, मेरे यहां से पैदा हो रही है, सैलरी कहां से जा रही है इसको, जैसे ही सैलरी पैदा हुई वहीं पर टैक्स लग जाएगा, यानी मेरे यहां टैक्स लग जाएगा, सरकार हमारे यहां से टैक्स ले लेगी, बाद में वो दे या ना दे दैट इज अनदर मैटर, मैं वो अपनी जेब से नहीं देने वाला ना, ये मत सोचना कि उसे 1,00,000 पर मैं अपनी जेब से टैक्स देने वाला हूँ ना, गलत फैमिली में हो, सॉरी गलत फैमिली में हो, गलत गलत फैमिली में हो, वो टैक्स मैं नहीं देने वाला, वो टैक्स तुम्हारी ही जेब से कटेगा, लेकिन देगा कौन गवर्नमेंट को, मैं, क्या मैं तुम्हें अब 1,00,000 रुपये दूंगा, ना, मैं तुम्हें 1,00,000 रुपये से कम अमाउंट दूंगा, जो काट लूंगा उसको मैं नाम दूंगा टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और वो पैसा मैं अपनी जेब में रखूंगा, अच्छा अच्छा गवर्नमेंट को दे देंगे। मुझे मिस्टर एक्स को 1,00,000 रुपये देना है और 1,00,000 में से गवर्नमेंट के पास मान लो टैक्स कितना जाना है, दो मिनट के लिए मान लेते हैं कितना जाना है टैक्स, तो एक काम करो मेसर्स PQR जो कंपनी इसको सैलरी दे रही है वो अब क्या करेगी कि वो 1,00,000 इसको ना दे करके इस सोर्स वाली जगह से ही गवर्नमेंट को 10,000 दे देगी, बाकी इसको दे दे, तो कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा सर, वैसे भी 1,00,000 आता 10,000 जाता, 90,000 ही इसके पास बचता, अब भी 90,000 बचा, फायदा क्या है। सरकार कहती है इससे टैक्स चोरी रुक जाती है, ये टैक्स चोरी कर सकता है लेकिन इसके साथ थोड़ी पॉसिबिलिटी कम है, मेरा तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है कि मैं तुम्हारे साथ बैठ करके सरकार की टैक्स चोरी करूं, वो भी तुम्हारी इनकम पर, मुझे क्या फायदा, मेरा क्या फायदा है, सैलरी कम कर लो मेरा क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है, मैं सरकार को पूरा टैक्स दूंगा। अब क्लियर हुआ, ये मेरा मकान मालिक है मनोज, हर महीने 1 तारीख को चेहरा दिखाता है सुबह 6 बजे, आते ही याद दिलाता आज तो आपका किराया देना है, मैंने कहा देना तो है, मैंने कहा आ बेटा तू किराया मांगने आ आया, मुझे इसको किराया देना था 40,000, कितना, अब 40,000 किराया देना है, PQR इसको 40,000 किराया दे रहा है और इस किराए पर ये सरकार को 2 मिनट के लिए मान लो 5,000 का टैक्स देता है, 2 मिनट के लिए मान लेते, तो इसके हाथ में कितना बचता, सरकार ने कहा बेटा तुम ही टैक्स दे दो हमें और बाकी इसको दे दो 35,000, हाँ या ना, फायदा तो वही, काम तो वही पड़ा, लेकिन जहां एट सोर्स है किराया जहां से पैदा हो रहा है वहीं से चला जा रहा है टैक्स गवर्नमेंट के हाथ में। दूसरा, ये कमीशन खोर है, कमीशन पर काम करता है, इसको टैक्स देना है सरकार को, मुझसे जो कमीशन पाएगा यह सरकार को टैक्स देगा, तो सरकार ने कहा जहां से कमीशन अराइज हो रहा है वहीं से टीडीएस काट लो, बोलो ना, नहीं समझ में आया, वो कॉन्ट्रैक्टर है उसको मैंने बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है या उससे माल खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है या दिया है, कॉन्ट्रैक्टर बीच में काम करता है, अब बताओ उसको मैं पेमेंट दूं
क्यों ना मैं उसमें से कुछ सरकार को हिस्सा दे दूं, बाकी इसको दे दूं? नहीं समझे? लॉटरी, जुआरी सब इसमें आएंगे, रेस हॉर्सेस सब इसमें आएंगे, प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग सब लोग इसमें आएंगे। क्लियर हुआ? टीडीएस चैप्टर बहुत अच्छा है, पढ़ने में बहुत मजा आता है। चलिए, पढ़ने में नहीं, पढ़ाने में बहुत मजा आता है, पढ़ने में कभी किसी को मजा नहीं आया है। जैसा नाम है वैसा ही काम है, ठीक है ना? लेकिन सामने वाला कहेगा, मालिक तूने 90,000 हमको दिया, 10,000 कहाँ गया? मैं कहूँगा मैंने सरकार को दे दिया। कहेगा प्रूफ कितने हैं? प्रूफ भी तो दिखाओ, प्रूफ मुझे देना पड़ेगा इसको। ऐसे नहीं, मुझे इसको एक सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A, दो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 16 एंड फॉर्म 16A, उन फॉर्म्स में मुझे सर्टिफिकेट देना पड़ता है। देख मैंने तेरा पैसा 10,000 रुपये काटा है, उसका ये प्रूफ है, ये तू रख। तो इसको ये है, अच्छा अच्छा मुझे 1,00,000 मिल गया। कैसे 1,00,000 मिला? 90,000 का कैश और 10,000 का फॉर्म सर्टिफिकेट, यानी इसको कितना मिल गया अब टोटल? 1,00,000। अब सरकार के पास ये जाएगा, कहेगा मेरी इनकम कितनी, 90,000 या 1,00,000? ये कितना बोलेगा, 90,000 या 1,00,000? 1,00,000। सरकार कहेगी तेरी इनकम अब 1,00,000। कितनी? 1,00,000 पर तू कैलकुलेशन कर, तेरी 12,00,000 है, तेरा 12 महीनों में 1,20,000 आया है टैक्स, 10,000 करके 12 बार आया है, और उसका तू सर्टिफिकेट लगा रहा है। 12,00,000 में तुझे टैक्स देना था 2,00,000, कितना देना था? 2,00,000 मान लो, और तूने दिया कितना? 1,20,000, बाकी 80,000 और रहा, सरकार इससे बाकी 80,000 ले लेगी। नहीं समझे? क्योंकि सर्टिफिकेट दिखा करके तो 1,20,000 ये छूट ले ही लेगा, टैक्स तो ऑलरेडी पे कर चुका है ये, इसके बिहाफ पर मैंने पे किया है गवर्नमेंट को, और उस 1,20,000 का सर्टिफिकेट मैंने इसको दे दिया। अब ये सरकार को 2,00,000 रुपये चूंकि टैक्स देना है, तो 2,00,000 रुपये नहीं देगा टोटल इनकम पर, 2,00,000 में से 1,20,000 दे चुका है। सरकार को कहेगा 2,00,000 क्यों दूं, 1,20,000 का तो सर्टिफिकेट है मेरे पास, ये देख। तो सरकार कहेगी बाकी 80,000 लाओ, 80,000 बात तो वही पड़ी, सरकार के पास कितना पहुंचना था? 2,00,000। अगर मैं इसको पूरा 12,00,000 देता तो सरकार को ये 2,00,000 देता, सरकार के हाथ में कितना? 2,00,000। मेरी ओर से सरकार को 1,20,000 मिल गया, बाकी 80,000 सरकार इससे ले लेगी। अब क्लियर हुआ? तो एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, वही चीज है। लेकिन अगर मुझे किसी को सैलरी देनी है और मैंने टीडीएस ना काटा, मुझे चार्ज किया जाना था, मुझे इसको 90,000 देना था लेकिन मैंने पूरा 1,00,000 दे दिया बिना टीडीएस काटे, सोच लो बिना टीडीएस काटे, प्रॉब्लम ये आती है कि वो मैंने पेमेंट किया किसको, रेजिडेंट एसएससी को या नॉन रेजिडेंट को? प्रॉब्लम यह आती है कि जो मैंने 90,000 1,00,000 रुपये जो पेमेंट किया है बिना टीडीएस काटे, बिना टीडीएस काटे किसको पेमेंट किया है, रेजिडेंट को या नॉन रेजिडेंट को? दोनों के लिए अलग अलग प्रोविजंस हैं। स्टार्ट हो जाए, करें। एनी इंटरेस्ट, रॉयल्टी, फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम्स चार्जेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया टू अ नॉन रेजिडेंट और टू अ फॉरेन कंपनी। ओहो, कहने का मतलब पैसा विदेश में ही जाना है, कहाँ जाना है पैसा, कहाँ जाना है? विदेश में जाना है। मुझे वो पैसा किसी नॉन रेजिडेंट को देना है, दिमाग में ये बात बैठाओ, कहाँ देना है? अब नॉन रेजिडेंट अमेरिका में बैठा है, मैं उसको पेमेंट करूँ बिना टीडीएस काटे? कर दिया मैंने, कर दिया नॉन रेसिडेंट को विदेश में। वो नॉन रेसिडेंट बेचारा हिंदुस्तान घूमने आया था, घूमते घूमते सड़क पर टक्कर हो गई हम दोनों की, मैंने कहा तू यहाँ क्या कर रहा है? अरे घूमने आया हूँ, ले तेरा पैसा। तो बताओ मैंने वो पेमेंट कहाँ किया, इन इंडिया किया है या ये मान लें कि नॉन रेसिडेंट को किया है? अरे नॉन रेसिडेंट को ही किया, वो कहाँ ले जाएगा, अपने घर ले जाएगा, बात तो ही पड़ी। ऐसा नहीं बुला करके दे दो तो टैक्स से छूट मिल जाएगी ना, नॉन रेजिडेंट ही रहेगा, चाहे आप उसको इंडिया में पेमेंट दो चाहे आउटसाइड इंडिया में पेमेंट दो। फॉरेन कंपनी तो हमेशा नॉन रेजिडेंट मानी ही जाती है, फॉरेन कंपनी इज ऑलवेज टू बी ट्रीटेड एज नॉन रेजिडेंट, मालूम है ना? फॉरेन कंपनी 100% फॉरेन कंपनी इंडिया में रेजिडेंट तब मानी जाती है जब उसका पोएम इंडिया में हो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, याद आया? हाँ, या ना?
तो अगर फॉरेन कंपनी को मैंने पेमेंट दिया है, किसी नॉन रेसिडेंट को मैंने पेमेंट दिया है, या आउटसाइड इंडिया मैंने कोई पेमेंट किया है बिना टीडीएस काटे, तो मेरे ऊपर पाप लगेगा। कौन सा पाप लगेगा? क्योंकि मैंने गुनाह किया। मुझे जो यहां पर इंटरेस्ट का पेमेंट किया मैंने 1,00,000 बिना टीडीएस काटे, या तो नॉन रेसिडेंट को, या तो आउटसाइड इंडिया, या तो फॉरेन कंपनी, बोलते क्यों नहीं? अरे बोल। अगर मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट इनको किया है बिना टीडीएस काटे, तो बेटा अब पीएल में तो जो छूट मांग रहा है ना, बार बार छूट दे दो छूट दे दो, सरकार के सामने गुहार लगा रहे हो। अब वो तूने गलती की तो सरकार ने भी आपके ऊपर एक पेनाल्टी लगाई, कि दैट अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर विल नॉट बी अलाउड, ये एक्सपेंडिचर अब आपको अलाउड नहीं होगा। 2 मिनट के लिए, अगर इसको 10,000 टीडीएस देना था, कितना देना था मुझे? 10,000 टीडीएस देना था और 90,000 इनको पेमेंट करना था। 90,000 मैंने इनको पेमेंट किया और 10,000 गवर्नमेंट को टीडीएस काट करके दिया, बताओ मुझे छूट कितनी मिलती? पूरा 1,00,000, पूरा 1,00,000 छूट मिल जाती, पूरे 1,00,000 छूट मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 1,00,000। ये मेरा अमाउंट थोड़ी है, ये तो इसका अमाउंट है, ये उसकी पर्सनल लाइबिलिटी है, मेरी लाइबिलिटी थोड़ी है। दैट इज द पर्सनल लाइबिलिटी ऑफ द पर्सन टू हुम द अमाउंट इज गिवन, जिसकी वो इनकम है उसको अपना खर्चा देना है। लेकिन मैंने गवर्नमेंट के कहने पर उसका पैसा काट करके गवर्नमेंट के खाते में जमा किया, तो मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने तो अच्छा काम किया। मुझे छूट कितने की मिलनी चाहिए? पूरे 1,00,000 की मुझे मिलेगी, पूरे 1,00,000 की। लेकिन बेटा अगर तुमने ये टीडीएस नहीं काटा तो ये छूट भी वाली, ये छूट भी नहीं मिलने वाली। तब तक, कब तक? तब तक, कब तक? दो चीजें, मुझे ये छूट तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि मैं या तो टीडीएस ना काट लूं, पहला, या टीडीएस मैंने काट लिया था लेकिन सरकार के खाते में जमा नहीं किया था। मैं किसी का टीडीएस काट लूं और सरकार के खाते में जमा ना करूं तो सरकार मान लेगी हाँ हाँ तूने तो अच्छा काम किया। अरे नहीं, तू मेरे खाते में जब तक जमा नहीं करेगा तब तक कैसे मान लूं तूने टीडीएस काटा? अब बात समझ में आई? मुझे टीडीएस काटना भी है, उसको सही समय पर सरकार के खाते में जमा भी करना है। तो कहा गया मुझे इस डिडक्शन की, मुझे ये एक्सपेंसेस की डिडक्शन तब तक नहीं मिलेगी जब तक मैं टीडीएस चार्ज ना कर लूं, और या अगर चार्ज मैं कर चुका था और जब तक कि मैं उसका पेमेंट ना कर दूं। अब आते हैं, एनी इंटरेस्ट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम चार्जेबल अंडर द इनकम टैक्स एक्ट विच इज पेबल आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया टू अ नॉन रेसिडेंट और टू अ फॉरेन कंपनी ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड। ये दो लाइनें अभी समझ में नहीं आई होंगी और मैं चाहता भी नहीं कि तुम लोगों को ये दो लाइनें अभी समझ में आएं। बहुत ही बड़ा कंसिक्वेंसेस होगा इन दो लाइनों का, बहुत मजा आएगा और इन्हीं दोनों लाइनों के कारण हम लोग के बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल पैदा होंगे जो मैंने अभी बोला। ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड बिफोर द ड्यू डेट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 139। फालतू की बात है, फालतू मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाउएवर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सच सम, हाउएवर वेयर any in respect of any such sum tax has been deducted in any subsequent year, अगर बाद में कभी tax deduct किया गया तो छूट मिल जानी चाहिए, छूट मिल जानी चाहिए। बाद में छूट tax काट लिया और जमा कर दिया तो छूट ले लो, यहाँ tax काट चुके थे अपनी जेब में रखे थे तो तब तक छूट नहीं मिलेगी जब तक कि वो जमा ना कर दो। has been deducted during the previous year but paid after the due date, then such a sum shall be allowed as deduction in computing the income of the previous year in which such tax has been paid. Chargeable under the income tax means receipt of such income must be taxable in India. फालतू की बात है फिलहाल, इधर देखो, गिन लिए पन्ने, अब डर लगने लगा होगा, अब थोड़ा लीक से हटकर पॉइंट पे आ गए ना। अब तक तो सर ठीक था, अब तक भी भारी था लेकिन इससे तो ठीक था, अब तक सर दर्द था, अब माइग्रेन तो अब ठीक था, पहले सर दर्द था, कितना सर दर्द चैप्टर है, अब माइग्रेन हो गया तो सर दर्द ही ठीक था, दिक्कत नहीं है। केवल एक प्रोविजन समझो, उसके साथ
कहते ना डूबते को तिनके का सहारा है। थक गए ना, ज़्यादा नहीं बताएंगे, हम जानते हैं। कहानी क्लियर रहेगी तो जब नेक्स्ट क्लास में तुम लोग बैठोगे तो अच्छा यही तो बताया था सर आपने, याद है, तो पुराना लगता है किस्सा। तो टीडीएस अगर किसी एसएससी ने किसी नॉन रेजिडेंट को या किसी फॉरेन कंपनी को या आउटसाइड इंडिया कोई पेमेंट किया है, कोई पेमेंट किया है विदाउट डिडक्शन ऑफ टीडीएस, अब इस विदाउट को मैं थोड़ा कट कर दूं, अब इसको एक्सप्लेन करने की बारी है, वो दो लाइनें जो इंपॉर्टेंट, क्लियर बोलो ना। ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड, यानी डब्ल्यू टी कहते हैं ना, कई लोग ट्रेन पे मिलते हैं तो कहते हैं हम तो डब्ल्यू टी हैं, डब्ल्यू टी का मतलब विदाउट टिकट, हम भी डब्ल्यू टी आते हैं, ऐसा नहीं विद टिकट, डब्ल्यू का मतलब तो दोनों हो सकता है। मैं तो क्लास में एफ आया था, फर्स्ट भी होता है फेल भी होता है, तो हम जो समझ रहे हो समझ लेना। ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी मैं आपको पेमेंट कर रहा हूँ 1/4/2015 से लेकर 31/3/2016 के प्रीवियस ईयर में, ढंग से सुनना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी पर सारे क्वेश्चन बनेंगे और समय तुम लोग को तुरंत आंसर आना चाहिए। 15/16 प्रीवियस ईयर का पेमेंट था मुझे, 31/3/2016 तक टीडीएस काट लेना चाहिए था, मुझे पूरा मौका मिला कि मैंने आपको पेमेंट कर दिया लेकिन टीडीएस नहीं काटा था, लेकिन काट लो कब तक, 31/3/2000 ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और आफ्टर डिडक्शन। ओ पहली गलती ये हुई कि मैंने टीडीएस प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में नहीं काटा, दूसरा मैंने टीडीएस काट लिया, खुशी मनाओ, लेकिन खुशी पूरी तब होगी जब आप इसको रिटर्न ऑफ इनकम के फाइलिंग डेट तक जमा ना कर दो। 31/3 तक तो आपने काट लिया, उसके बाद जमा भी तो करना है। देखो हैज बिन डिडक्टेड, काट तो लिया प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में, बट पेमेंट हैज नॉट बीन पेड, पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम, तो इसका मतलब मैंने फिर गलती कर दी। पहली गलती 31/3 प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में टीडीएस नहीं काटा, ये तो बहुत बड़ी गलती है। हमने टीडीएस काट लिया था, हम बड़े खुश हो गए थे 31/3 तक टीडीएस काट लिया, बच गए बेटा, बचोगे तब जब काटने के बाद ड्यू डेट के अंदर जमा कर दोगे। तो पहली गलती ना काटना, दूसरी गलती काट लेना लेकिन ड्यू डेट के अंदर जमा ना करना। अब क्लियर है, पहली गलती प्रीवियस ईयर का टीडीएस प्रीवियस ईयर में ना काटना, दूसरी गलती प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में टीडीएस काट लेना लेकिन उसको डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम तक जमा ना करना। चलो अब मैं दोनों पढ़ता हूँ। ऑन विच टैक्स हैज नॉट बीन डिडक्टेड बिफोर द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर और आफ्टर डिडक्शन हैज नॉट बीन पेड बिफोर द ड्यू डेट अंडर सेक्शन 139(1) हाउएवर मींस नो एनी डिडक्शन विल बी गिवन फॉर इंटरेस्ट रॉयल्टी फी फॉर टेक्निकल सर्विसेज और अदर सम विच आर चार्जेबल टू टीडीएस हाउएवर इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी सच सम। सुनो, अच्छा टीडीएस का डिडक्शन मिल जाएगा अगर मैंने टीडीएस नहीं काटा था प्रीवियस ईयर का प्रीवियस ईयर में और अब मैं टीडीएस काट रहा हूं अगले साल, कब कर रहा हूं, तो जिस साल काटोगे उस साल डिडक्शन ले लेना, तुम्हारे खर्चे की छूट चाहिए ना, ले लो, तुमने जो गलती थी की थी अब दूर कर लिए, तुम टीडीएस काट लिए ले लो छूट, हाँ या ना। अब आते हैं एक बात कि अगर मैंने टीडीएस 31 मार्च तक काट लिया था और मैंने जमा किया था आफ्टर दिस डेट, तो इसका मतलब कि
मैंने सरकार को धोखा नहीं दिया, टीडीएस काटा और जमा कर दिया, लेकिन डेट के तो छूट अगले साल मिलेगी जिस साल ऐसा जमा किया गया। तो केवल काटना इंपॉर्टेंट नहीं है, काटने के साथ साथ ड्यू डेट के अंदर जमा करना इंपॉर्टेंट है। टैक्स हैज बीन डिडक्टेड इन एनी सब्सिक्वेंट ईयर, जिस साल आप ऐसा टीडीएस काटोगे उस साल आपको डिडक्शन मिल जाएगी, या आपने डिडक्ट कर लिया था लेकिन ड्यू डेट तक आपने जमा नहीं किया था, देन सच सम शैल बी अलाउड एज डिडक्शन इन कंप्यूटिंग द इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच सच टैक्स हैज बीन पेड। दैट्स इट हो गया, पहला कंसेप्ट क्लियर है। आज इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग आएंगे फिर से मैं इसी चीज़ को इसी वे में पढ़ाऊंगा जैसे कि इसके पहले हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन समझ में अच्छी तरह से आएगा। और पहला पॉइंट अगर समझ में आ गया तो दूसरा पॉइंट बमुश्किल 3 से 4 मिनट लगेगा, और उसके बाद ये सेक्शन 2 मिनट के अंदर ख़त्म, यानी कि कुल मिलाकर नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट के अंदर हम लोग का ये सेक्शन 40 स्मॉल ए। थैंक यू बच्चों।